आईपीएल 2021 को लेकर सभी टीमों की तरफ से लगातार अपडेट पे अपडेट सामने निकल कर आ रही है और आज हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बारे में और साथ ही में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम के बारे में। तो गाइस इन दोनों टीमों की तरफ से काफी कमाल की अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी सीएसके के फैंस के लिए और आरसीबी के फैंस के लिए। तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के बारे में। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से। चेन्नई सुपर किंग की प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट हो चुकी है जहां पे अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी गाइस इस प्रैक्टिस कैंप का हिस्सा है एंड डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन किए हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस कैंप से जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के ऑफिसियल ने गाइस यहाँ पे पोस्ट किया है लेटेस्ट पोस्ट, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी कल नेट प्रैक्टिस में काफी कमाल के शॉट प्रैक्टिस कर रहे थे और बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सफल भी हुए और गाइस वो काफी हर गेंद पे छक्के पे छक्के हर गेंद पे मार पर रही थी गेंदबाज को। और गाइस कल यहां पे महेंद्र सिंह धोनी 40 मिनट तक नेट प्रैक्टिस में प्रैक्टिस किए, उसके बाद गाइस वो निकल के आराम करने के लिए गए। तो चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल की तरफ से एक नई अपडेट सामने निकल कर आ रही थी, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए काफी बड़ी और काफी अच्छी खबर है कि चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी काफी अच्छे लय में नजर आ रहे हैं आईपीएल 2021 से पहले। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के देवदत्त पाडिकल ने एक और कारनामा रचा, जहाँ पे देवदत्त पाडिकल ने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 4 सेंचुरी उन्होंने जड़ा है और विजय हजारे ट्रॉफी में गाइस एक कारनामा सिर्फ और सिर्फ गाइस दो ही खिलाड़ी यहां पे कर पाए हैं। सबसे पहले नाम आता है विराट कोहली का, जहां पे 2008 में गाइस एक कारनामा विराट कोहली ने किया था विजय हजारे ट्रॉफी में। उसके बाद गाइस जहां पे 2021 के विजय हजारे ट्रॉफी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के देवदत्त पाडिकल ने एक कारनामा करके दिखाया है। तो कैसे पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दो से देवदत्त पाडिकल विराट कोहली ने मिलकर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 4 सेंचुरी यहां पे जड़े हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऑफिशियल ने एक नई इंफॉर्मेशन जारी की है विजय हजारे ट्रॉफी के रिकॉर्ड को लेके। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस आपके इस पर में क्या ओपिनियन है, क्या देवदत्त पाडिकल आने वाले आईपीएल में काफी कमाल के ब्लॉकबस्टर जैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर बताइएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी न्यूज के बारे में। तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के संजय बांगर की तरफ से। संजय बांगर ने गाइस एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पे उन्होंने बताया जोशुआ फिलिप्पी को लेके, जी हां जोशुआ फिलिप्पी को लेके उन्होंने बात किया, जहां पे उन्होंने बताया बीबीएल में हमने जोशुआ फिलिप्पी को देखा काफी कमाल के परफॉर्मेंस करते हुए, हम लोगों ने देखा बीबीएल में जोशुआ फिलिप्पी को और इस बार आईपीएल में हम उनको मौका देने वाले थे, ओपनिंग करवाने वाले थे जोशुआ फिलिप्पी को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से देवदत्त पाडिकल जोशुआ फिलिप्पी ओपनिंग करने वाले थे। तो गाइस यहां पे संजय बांगर ने साफ कर दिया अगर गाइस यहां पे जोशुआ फिलिप्पी रहते 2021 के आईपीएल के लिए अवेलेबल, तो गाइस यहां पे देवदत्त पाडिकल और जोशुआ फिलिप्पी आप सभी को ओपनिंग करते नजर आने वाले थे, लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से जोशुआ फिलिप्पी ने आईपीएल 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो गाइस अब इनके जगह फिल एनन यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को ज्वाइन कर लिए हैं। तो संजय बांगर ने गाइस यहां पे कहा कि इस बार गाइस उनको मौका देने वाले थे लेकिन अब हम लोग उनको मौका नहीं दे सकते, पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी अब नई तरीके से आप सभी को देखने को मिलने वाली है, संजय बांगर का ऐसा कहना है। तो गाइस यहां पे संजय बांगर ने एक कहा है लेकिन अब कौन से खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे इसका कोई भी हिंट यहां पे नहीं दिया गया है। तो आपके हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टीम में कौन से दो खिलाड़ी को ओपनिंग करना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएगा। अगर जोशुआ फिलिप्पी अपना नाम वापस नहीं लेते तो देवदत्त पाडिकल और जोशुआ फिलिप्पी आरसीबी के लिए ओपनिंग करते, संजय बांगर ने ये साफ कर दिया था।
लेकिन गाइस अब जो सुपरलीपी नहीं है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।